बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ आपकी ड्रीम कंपनी Amazon की तरफ से। जी हाँ, Amazon की तरफ से बिल्कुल फ्रेश जॉब वैकेंसीज का अपडेट आया है। इस बार वैकेंसीज बहुत टाइप की है और सारी की सारी वैकेंसीज पता क्या है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। हर क्वालिफिकेशन वाइज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे ब्रीफ में डिटेल में समझाऊंगी इस नोटिफिकेशन के बारे में, क्या ये पोजीशन है, क्या आपका काम यहाँ रहेगा, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। दो चीजें ध्यान से समझना, पहली चीज आपकी अप्लाई यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। दूसरी चीज की बात करें यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होनी है, क्योंकि बहुत ही इजीली आपको यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो मिलने वाली है। हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे, वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर से देखना है। अपने दोस्तों के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। Amazon की तरफ से इस बार वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिशन कोई नहीं बढ़ने वाला। दोस्तों के साथ फटाफट आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसी आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं Amazon की आई हुई बिल्कुल फ्रेश जॉब वैकेंसी के बारे में, जहां पे इस बार वैकेंसी काफी टाइप की आई हुई है और सारी की सारी जो वैकेंसी है ये आपकी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आप इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ 100% एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक है, कोई फी पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन वैकेंसीज के लिए जो है वो अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अलग अलग प्रोफाइल वाइज है, किसी के लिए एग्जाम नहीं है, किसी के लिए इंटरव्यू भी नहीं है, वो डिपेंड करता है पोस्ट वाइज, आगे आपको समझा दूंगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ रही हैं, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो ऑफिशियल साइट है ना, इसको आप सीधा गूगल पे लिखें meetacademy.in, पहले नंबर पे साइट मिल जाएगी, सिंगल क्लिक करके लेटेस्ट वैकेंसी को चेक करके आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करें हैं आपकी ड्रीम कंपनी की नई वैकेंसी यानी कि Amazon की नई वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट कौन कौन सी है, क्या आपका यहाँ पे काम रहने वाला है, हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी के साथ साथ बताना चाहती हूँ, लेटेस्ट अपडेट आपका आ चुका है, फ्लिपकार्ट का आया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसके बाद वो वीडियोज आएंगे हमारे सेकंड चैनल पे, जिसका नाम है मीत शर्मा, यूट्यूब में लिखना, पहले नंबर पे आपको चैनल जो है वो मिल जाएगा, जाके आप सब्सक्राइब कर लेना। Amazon की जो वैकेंसीज आई है ये आपकी परमानेंट जॉब है, आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिलेक्शन का पोस्ट वाइज समझना कैसे है, ठीक है। किसी के लिए एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू है, किसी के लिए इंटरव्यू है, एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले साइट पे लेके चलती हूँ, वहाँ पे बताती हूँ कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो वो ध्यान से समझिए, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं, चलते हैं साइट पर। इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए मैं आपको सीधा लेके आ चुकी हूँ इनकी ऑफिशियल साइट पे। इस बार एक चीज ध्यान से समझना, वैकेंसीज एक टाइप की नहीं है, काफी टाइप की वैकेंसी है। एक एक चीज आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आपका यहाँ काम रहने वाला है, वो ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप, लैपटॉप कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या है, कैसे काम आपको करना है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी किसमें किस तरीके से होने वाली है, कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जब हम साइट पे आए हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोफाइल देखने को मिलती है, कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट की एज अ फ्रेशर अप्लाई करें, ठीक है। ये भी आपके घर पे बैठ के आपकी जॉब लोकेशन जो है वो रहने वाली है। उसके बाद देखिए रिमोट कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ये वाली जो प्रोफाइल है ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है आपकी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, इसमें आपकी जो सेकंड वाली प्रोफाइल है, टाइप ऑफ जॉब में आप बात करें, फुल टाइम आपकी ये जॉब जो है वो रहने वाली है, ठीक है। अगेन हम बैक ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करा इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रोफाइल भी आपको देखने में सेम लग रही है, लेकिन टाइप में आप यहाँ पे देखिए ये सीजनल है। उसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट की वैकेंसीज है, अगेन रिमोट कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट की वैकेंसीज है, यहाँ पे फुल टाइम वैकेंसीज है, ठीक है। ये सारी की सारी वैकेंसीज है, आप यहाँ पे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी आप
सेकंड वाली प्रोफाइल पर क्लिक करें, क्यों, इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। रिमोट जॉब है, कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट एज आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो फुल टाइम ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है, ठीक है। आप यहाँ ऑल इंडिया से अप्लाई करें, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ टेम्परेरी जॉब है, यहाँ पे ये परमानेंट आपकी जॉब है। जो भी अमेजोन के कस्टमर या जो क्लाइंट होते हैं उनकी क्वेरीज को आपको बस यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, उनको रेजोल्यूशन देना है, दैट्स इट, यही आपका काम है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे, करा तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना फिक्स टर्म, मतलब यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि जैसे पहले आपको पता है कुछ प्रोफाइल आई थी अमेजोन के लिए जहाँ पे 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन हाँ करने वाले उसमें भी जॉब कर रहे हैं, उनकी भी वहाँ पे अब जो परमानेंट जॉब हो चुकी है, ठीक है। अब ये वाली जो जॉब है ये हर एक किसी लोकेशन के लिए आई हुई है, आप ऑल इंडिया से यहाँ अप्लाई करें। अब यहाँ पे मैंने आपको काम इसमें समझा दिया है, ठीक है, जो भी इनके कस्टमर या जो क्लाइंट है उनकी क्वेरीज को आपको रिजॉल्व यहाँ पे करना होगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये आपका काम यहाँ पे जो है वो रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, आपको इनके जो टूल्स है, ठीक है, उसको नेविगेट करना है, रिसर्च करना है उनको, और आपको रिव्यू सोल्यूशन करना है, ठीक है, ये आपका काम है। सारी ट्रेनिंग अमेजोन घर पे बैठ के आपको प्रोवाइड करवाने वाला है। हार्डवर्किंग आप होने चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड होने चाहिए, फ्रेंडली एंड कस्टमर फोकस आपका हर सिचुएशन में होना चाहिए, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आ रही है तो यहाँ पे इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। मल्टीटास्किंग आप यहाँ पे होने चाहिए, यानी कि अगर उनके साथ ओवर दी कॉल या ओवर दी चैट बात कर रहे हैं तो आप टाइपिंग साथ में कर पाए, ये होता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या फायदे यहाँ मिल रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, पेंशन प्लान, इंटरनेट अलाउंस मिलता है, डेस्कटॉप आपको कंपनी यहाँ प्रोवाइड करती है। इधर आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इन्होंने कैसे आपको अप्लाई करना है और आपकी सिलेक्शन कैसे हो रही है वो आप पहले ध्यान से यहाँ समझना। एज कम से कम 18 आप अप्लाई यहाँ करें, ठीक है, और यहाँ पे हर कोई आप में से अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस इनका देखिए, सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसके बाद आपका वर्क असेसमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका प्री हायर ओरिएंटेशन होने वाली है, देन आपका फर्स्ट डे रहेगा जॉब का। अब यहाँ इंटरव्यू कोई नहीं है तो अप्लाई देखिए पहले कैसे करना, टॉप इस तरीके से प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, ये ऑल इंडिया के लिए अलग अलग लिंक इन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, करा, यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जब आपने कंटिन्यू पे क्लिक करा, अब यहाँ पे ये बोल रहा है अपना मोबाइल नंबर लिखे, आप लॉग इन करें, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर लिखे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करके अप्लाई करो, अपना नेम लिखो, कॉन्टेक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका करंट एड्रेस कौन सा है, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा है, देन आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, ठीक है, या फिर वहां पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल सकती है, कम्युनिकेट एड्रेस। कम्युनिकेट एड्रेस में करंटली आप जहां रह रहे हैं वही का एड्रेस देखना है जहां पे आप काम करना चाह रहे हैं बैठ के, ठीक है, ताकि उनको उन्होंने कुछ भी आपको एसेट्स भेजने हैं उनके पास आपका एड्रेस एक्यूरेट हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके सब कुछ ये करना है, लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड करके सबमिट पे क्लिक करना है, बट आप तब कर पाएंगे अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करा है, तो आपको यहाँ क्रिएट वन पे पहले क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, करा तो यहाँ लीगल फर्स्ट नेम लिखो, सरनेम, ठीक है, प्रेफर्ड फर्स्ट नेम, प्रेफर्ड सरनेम, ईमेल आईडी री एंटर करो ईमेल आईडी को, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, प्रेफर्ड लैंग्वेज में जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते करें, यहाँ पे अपना पर्सनल पिन रखना है, पासवर्ड यानी कि जो मिनिमम 6 डिजिट का हो, ठीक है, उसको री एंटर कर देना है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन जो मिल रही है इधर क्लिक करना है, जो ईमेल आईडी या जो मोबाइल नंबर आपने लिखा है वो यहाँ नेक्स्ट करके आप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपके पास ना एक मेल आती है, ठीक है, जो कि आपकी होती है ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, बस आपको ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ये है आपका प्रोसेस, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई होप। देखिए जैसे जैसे मैंने आपको जो जो स्टेप बताया है उन्हीं स्टेप को फॉलो करके अप्लाई करिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ फटाफट पहले वीडियो शेयर कर दे ताकि वो भी अप्लाई कर पाए। अब इन वैकेंसीज में पोस्ट वाइज सिलेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, किसी के लिए सीधा आपका शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट की इंटरव्यू हो रही है उसके बेसिस पे सिलेक्शन है, किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट हो सकता है उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है, वो डिपेंड करता है उनके नॉर्म्स के ऊपर और जितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप में से कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं मुझे कमेंट आप जरूर करिएगा, मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए आपने कमेंट जरूर करना है। हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया, इसको सब्सक्राइब रखना, हमेशा बेल आइकन को प्रेस रखना ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो, ठीक है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करिए, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में